The film does not intend to promote or glorify the consumption or use of drugs or narcotic substances in any manner. हमारे उद्योगपति साथियों ने कहा है टिकट करने के लिए। आप तो जानते ही हैं, चुनाव में खर्च यही लोग उठाते हैं। उस व्यक्ति को हम बिल्कुल टिकट नहीं देंगे। वो पार्टी का वफादार आदमी नहीं है, महिलाओं के लिए उसका ईमान भी ठीक नहीं, इसलिए ऐसे आदमी की सिफारिश आप बिल्कुल नहीं करें तो ठीक। पर खान साहब, पैसा तो यही लोग लगाएंगे। तो क्या किसी भी एरेगेरो को टिकट दे दोगे आप? ठीक है, आप मुझे यही उतार दो। गाड़ी रोको भाई। सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेता खान साहब की आज दोपहर अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। मूसा खान पर गोली दागने के बाद दो हत्यारे मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस हत्यारों की तलाश में सरगर्मी से जुटी है। खान साहब की हत्या के बाद शहर में तनाव फैल गया है। हत्या किसने और क्यों की, यह अभी साफ नहीं हो पाया। पुलिस फिलहाल जांच में है। भाई मैंने सुना वो खान साहब का मर्डर हो गया। भाई तीन दिन में दो सनसनीखेज हत्याएं। पुलिस का दावा है कि सुराग मिल चुके हैं। दिन दहाड़े हुई दोनों ही हत्याओं में एक ही आरोपी का हाथ। शार्प शूटर है हत्यारा। नरेंद्र श्रीवास्तव, ई खबर रतलाम। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ मैं संजय पाठक, खबर पक्की न्यूज से। दिन दहाड़े शूट करता है अपने शिकार को मराठा। पुलिस अभी तक प्रभाकर मराठा को पकड़ने में हो रही है नाकाम। मराठा कौन है ये? प्रभाकर राव मराठा, प्रभाकर राव मराठा, प्रभाकर राव मराठा। आखिर कौन है प्रभाकर राव मराठा? मालवा क्षेत्र के हर गली चौराहे पर एक ही नाम गूंज रहा है, प्रभाकर राव मराठा। मालवा में मराठा, आखिर ये है कौन? वयं वीरा।
नारे लगाने वाले रमैया कुमार की आज कॉलेज कैंपस में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुझे लगता है सारी हत्या उसी ने की है। मैं कह रहा हूँ साहब, उसी ने की हत्या। गोली माथे के बीचों बीच सटीक जगह पर मारी गई है कि साफ पता चलता है किसी पेशेवर शार्प शूटर का काम है। लगता है इसके पीछे वही है। मराठा के कई साथी गिरफ्तार, पुलिस का दावा मराठा भी जल्दी ही होगा उनकी गिरफ्त में। गोली किसने चलाई? मराठा ने सर प्रभाकर मराठा। मुझे तो पहले ही शक था कि वही है। तुम्हारे साथी ने सब बता दिया हमें, किसने की हत्या, कहां रुके थे, कहां मिलेगा वो? रोज शाम को राम मंदिर आता है साहब, वही मिलेगा। सच बोल, राम मंदिर का गुरुद्वारा? और झूठ निकला तो तेरी खैर नहीं। Me.
तुम अपना ध्यान रखना, पुलिस मुझे पकड़ने आती ही होगी। तुम्हें क्या पता तुम्हारे जाने के बाद पुलिस हमसे कैसे कैसे सवाल पूछती है। तुम चिंता मत करो संजना, मेरी जमानत जल्दी ही हो जाएगी। मिलोर्ड, पुलिस का आरोप है इन्होंने मिनल होटल में बैठकर हत्या की साजिश रची। मिलोर्ड, पुलिस के सख्त निर्देश हैं कि यदि कोई व्यक्ति होटल में प्रवेश करता है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाए। मैं आपको मिनल होटल का रजिस्टर बताना चाहूंगा जिसमें मराठा और उसके साथियों का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। अरे एंट्री वेंट्री छोड़िए, ऐसा कीजिए ये जो है इसे आप रख लीजिए, जब तक आपका मालिक आएगा तब तक हम निकल जाएंगे, किसी को क्या पता चलेगा। दूसरी बात, मराठा से जब्त पिस्तौल की बैलिस्टिक रिपोर्ट भी मराठा के पक्ष में ही बयां हो, ऐसी स्थिति में मराठा की पीआर की कोई आवश्यकता नहीं। और मिलोर्ड, उसे अपने साथियों के साथ जमानत का लाभ दिया जाना उचित होगा। दैट्स ऑल मिलोर्ड। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये अदालत प्रभाकर मराठा की जमानत अर्जी मंजूर करती है और साथ ही मराठा को यह हिदायत देती है कि वह पुलिस जाँच के दौरान पूरा सहयोग करे। अब छोड़ दे ये सब। कोई भी भारत माँ के दामन को खींच कर उसे दागदार करने की कोशिश करे और उसके बच्चे चुपचाप बैठे रहे, वो किसी भी जात धर्म का हो, भारत माँ के हर दुश्मन को उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। उसके लिए कोर्ट है, कानून है। कोर्ट? इस कानून से मुजरिम कैसे खेलते हैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं वकील साहब। अब अगला कौन? बोल भाई, भाई 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 वो मराठा मार डालेगा भाई, मुझे भाई भाई मुझे बचा लो भाई, मुझे मार डालेगा मराठा। आए तू चिंता मत कर। अरे तू है कहाँ? ये तो क्या भाई, अब तेरी बारी है। 17 मई तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, जितना जी सकता है जी ले। कैसे है रमजान अली, क्या हुआ? ये हो क्या रहा है साहब शहर में? क्या हुआ? वो मराठा नाम का कल का छोकरा खून पे खून किए जा रहा है और पुलिस उसे पकड़ ही नहीं पा रही है। अब तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी जारी कर दी है। मुझे लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दे दी। किस नंबर से फोन आया था, मुझे नंबर दो। नंबर ट्रेस करने से कुछ नहीं होगा साहब, बहुत शातिर है वो। उसने अस्सू के मोबाइल से मुझे फोन किया था कि वो 17 मई को मुझे जान से मार देगा। रुक जाओ, बाद में देखते। शातिर तो बहुत है वो। अब कानूनी दाव पेच भी जान गया, इस बार अरेस्ट करके इसका वो हश्र करूंगा, कोर्ट में जाने से पहले उसके हाथ पैर तुड़वा दूंगा, फिर देखेंगे। अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा वो। नाकाबंदी हो गई, स्पेशल फोर्सेस लगा दो हर चौराहे पर और 2 लाख का इनाम इस मराठा के ऊपर घोषित कर। हर गली चौराहे के ऊपर इसके पोस्टर लगे होने चाहिए। मुझे तुरंत कार्रवाई चाहिए इसके लिए, इस बात का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो रमजान अली, किसी भी गुफा में अगर वो छुपा होगा तो उसे निकाल के लाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम है ना,
और खान साहब के क्या हाल चाल है? यदि मान लिया जाए किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तब ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस को उसे 24 घंटों में कोर्ट में पेश करना होता है। अब कई बार यह होता है कि पुलिस उसे कागज पर अरेस्ट नहीं बताती है। वैसी स्थिति में दो दो तीन तीन दिनों तक उसे थाने पे रखा जाता है। अब अगर मान लिया जाए, मीडिया अगर इस चीज को हाईलाइट कर देती है कि किसी फला फला व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, वैसी स्थिति में मीडिया के दबाव में निश्चित रूप से पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। अरे भाई साहब, आप यहाँ पर क्या ज्ञान ले रहे हो? सरकार ने वहाँ पर आपके ऊपर इनाम रखा है और इस बार रिमांड के नाम पे बहुत कुछ होने वाला है। रिमांड? कौन लेगा मेरा रिमांड? मेरी सलाह तो ये है कि आप कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़कर चले जाओ। ये ले, आज 24 जनवरी है, अब तो मैं 17 मई से पहले अंदर नहीं जाऊंगा। जा, जाके बोल दे तेरे साहब को जो कर सकता है कर ले। मुझे क्या? मैं भी यही सोच रहा हूं भाई साहब। रमाकांत जी, भाई साहब का भी यही कहना है कि फिलहाल मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने व्यवस्था भी कर रखी, अभी हमारे पास 5 महीने का समय भी है और इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग भी हैं। आप लोगों का क्या विचार है? भाई, इस बार आपको निकल जाना चाहिए। रमजान अली के साथ साथ पुलिस के आदमी भी आपको ढूंढ रहे हैं। जब पुलिस के तेवर ठंडे हो जाएंगे हम आपको बता देंगे, बाकी प्लान पर काम करते हैं। मगर भाई, आपका यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। निकलना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि पुलिस सबसे ज्यादा कमजोर सुबह 6 से 7 में होती है। रात भर ड्यूटी करने वाले बेचारे रात भर ड्यूटी करते थक जाते हैं और सुबह ड्यूटी चेंज का टाइम होता है। बस वही टाइम है मेरे निकलने का। ठीक है भाई, ठीक है। कल 26 जनवरी है, अधिकतर पुलिस बल परेड में व्यस्त होंगे। तुम सब ये अफवाह फैला दो कि प्रभाकर यहां से भाग चुका है और प्लान ये है। ठीक है, ठीक है। भाग गया? भारत को आजाद हुए 65 से अधिक वर्ष हो गए हैं, पर फिर भी मेरा देश पिछड़ा हुआ क्यों है? आरक्षण, भ्रष्टाचार, देशद्रोह, मतलबी सोच जैसी पीढ़ियों ने भारत माता के पैरों को जकड़ रखा है। हमसे कई गुना छोटा देश जापान हिरोशिमा नागासाकी की घटना में पूरी तरह से नष्ट होने के बाद आज उन्नत देशों की श्रेणी में शामिल है, और हम क्यों नहीं? हमें आजादी तो सिर्फ नाम के लिए मिली है, परंतु हमारी रगों में अंग्रेजी शासन की चालबाजियों का लहू आज भी दौड़ रहा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों की लड़ाई इसी सोच को बदलने की थी। वे भारत माता को पूर्ण रूप से आजाद कराना चाहते थे, परंतु भारत माता को आजादी भी षड्यंत्र से ही मिली। अंग्रेजों ने जो किया उससे भारत की अवनति सुनिश्चित हो गई थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, तब पुलिस भी अंग्रेजों की थी और कानून भी। वो कानून जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारत पर शासन करने की मानसिकता से बनाया था, इसी का परिणाम है कि इसी कानून से सैकड़ों निर्दोषों की हत्या करने वाले जनरल डायर को कोई सजा नहीं मिली और सिर्फ डराने के लिए बम फोड़ने वाले भगत सिंह को फांसी। तब भगत सिंह को देशद्रोही करार दिया गया और जनरल डायर को देशभक्त। तब शासन अंग्रेजों का था, इसलिए कानून उनके हिसाब से बनाया और चलाया गया। परंतु अब क्या कानून बदल गया है? क्या तंत्र बदल गया है? नहीं, सिर्फ देश चलाने वाले बदल गए हैं। पहले अंग्रेज थे और अब डेमोक्रेसी के नाम पर नेता। राजनीति से बेखबर देश का आम आदमी मतदाता तो बन गया है, पर सिस्टम आज भी वही है। वही कानून, वही पुलिस, वही शासन, और शासक पहले अंग्रेज थे।
अब नेता, मतलब परस्त देशद्रोहियों ने देश की जड़ों में अवनति का मट्ठा झोंक दिया है। पर अब नहीं, बहुत हुआ गुंडा राज, अब नहीं। आज फिर देश पुकार रहा है अपनी युवा शक्ति को, जो जुल्म और गुंडागर्दी डरपोकों की तरह सहन ना करे बल्कि पुरजोर उसका विरोध करे। परंतु युवा को संस्कारी बनाता है उसका बचपन, और मेरा बचपन दिशाहीन ही तो था। ये क्या खेल खेलते रहते हो तेरी घोड़ी की लाल लाल? खेल ऐसा होना चाहिए जिसमें हम शारीरिक रूप से भी सक्षम बने और मानसिक रूप से भी सक्षम बने और साथ में देशभक्ति की भावना भी जगे। चलो आओ मेरे साथ, मैं खिलाता हूं तुमको खेल। चलो आओ। या, या, या। आज हम खेलेंगे रामू भैया जय बजरंगी। इस खेल से हमको बौद्धिक रूप से और मानसिक रूप से भी लाभ मिलता है। इस खेल से हमारी बुद्धि तेज होती है। जब मैं रामू भैया बोलूंगा सब लोग बैठ कर जय बजरंगी बोलेंगे, और जब मैं जय बजरंगी बोलूंगा सब लोग खड़े खड़े रामू भैया बोलेंगे। ठीक है, सब लोग समझ गए ना? रामू भैया, रामू भैया, रामू भैया, जय बजरंगी, जय बजरंगी, जय बजरंगी। रामू भैया, जय बजरंगी, रामू भैया, जय बजरंगी,
रामू भैया, जय बजरंगी। रामू भैया, जय बजरंगी। रामू भैया, जय बजरंगी। रामू भैया, जय बजरंगी। जय बजरंगी, रामू भैया, जय बजरंगी। रामू भैया, मैं हूँ बंदा बैरागी। मैं हूँ बंदा बैरागी। भारत माता किमरी छे, भारत माता किमरी छे, भारत माता किमरी छे। टिप बरसा पानी आ, टिप टिप बरसा पानी आ, पानी में आ। क्यों के साथ जबरदस्ती करेगा? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। अरे आप चलो संगठन की छवि का भी ध्यान रखो। लीजिए भाई साहब, आ गए रमाकांत जी। भाई साहब, आपको तो पता ही है रमाकांत जी की वजह से हमारे संगठन की छवि पर क्या असर हो रहा है। अरे कल तो हद कर दी इन्होंने, एक युवक की उसके घर में घुसकर निर्दयता से पिटाई कर दी। कानून और नियम तो मानते ही नहीं है। आप ये भी पूछ लीजिए, जिसकी पिटाई की वो कौन था? इन गुंडों की वजह से हमारी माँ बहनों का घर में से निकलना मुश्किल हो रहा है, और कल तो उसने हद की, मेरी आंखों के सामने एक बहन के साथ असली हरकत की। अगर ऐसा होगा तो क्या मैं मूक दर्शक बना क्या देखता रहूंगा? मगर ऐसे तत्वों से निपटने के लिए कानून है, पुलिस है। अगर हम भी उनकी तरह गुंडागर्दी करने लगेंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? भाई साहब, इससे हमारे संगठन की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है, इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। छवि की चिंता आप करते रहे, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। मेरी आंखों के सामने यदि ऐसा होगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का संविधान भी हर नागरिक को अपनी रक्षा करने का अधिकार देता है। बस रमाकांत जी, आपका कार्य क्षेत्र परिवर्तित कर दिया गया, आप कल यहाँ से प्रस्थान करें। लेकिन भाई साहब, ये तो ये मेरा निर्णय नहीं है। आपकी जो कार्यशैली है उसकी चर्चा उच्च अधिकारियों तक हो चुकी है, ये निर्णय उनका है, इसलिए आपको कल ही जाना पड़ेगा। तुम क्यों दुखी हो रहे हो प्रभाकर? मेरे जाने से दुखी होने की बजाय तुम्हें यह सोचना चाहिए कि हमारा कार्यक्षेत्र विस्तृत हो रहा है। हमारा कार्य सिर्फ इसी शहर में नहीं है, बल्कि हमें तो पूरे देश में काम करना है। आज मैं वहां जा रहा हूं, कल तुम्हारी भी वहां जरूरत पड़ेगी। मालवा का वो इलाका इन दिनों गुंडों और बदमाशों का गढ़ बना हुआ है। ये देशद्रोही तत्व तो कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं, और इनका इलाज भी जरूरी होता जा रहा है। प्रभाकर, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की आवश्यकता केवल तभी नहीं थी जब देश गुलाम था, बल्कि आज भी उनकी जरूरत है। अरे अंग्रेज तो विदेशी थे जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, लेकिन वर्तमान स्थिति तो और भी डरावनी है। कहने को तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं। Thank you.
तुम्हें यह काम करना होगा। इसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, तुम्हें फौलाद का बनना होगा। अच्छा भाई साहब, जय श्री राम। अरे कितने लाया और देख, वो एक नई बस लगी है तो उसमें जरा पैसे देख लेना उसके। हाँ 200 300। ए कौन है? बता कहाँ है तेरा बाप? बोल। पाटीदार हूँ पाटीदार। बता कहाँ है तेरा बाप? वो खान साहब की पार्टी में। खान साहब हाँ भाई साहब, अभी तो मिला नहीं, बाद में देखते हैं उसे। मूसा खान की पार्टी में गया है वो। ठीक है भाई साहब, एजेंट ही करते हैं ये गुंडे। चलो कल देखेंगे। I'm not afraid।
वन बाय वन आओ राजी हूँ मैं, धन दौलत लुटाए सभी, हर एक जवान दिल की बाजी हूँ मैं। कोई मदहोश है कोई बेहोश है, मेरी ब्यूटी का है ये असर। मैं हूँ दीवानों का सेक्सी बटर, मैं हूँ दीवानों का सेक्सी बटर, मैं हूँ दीवानों का सेक्सी बटर। जगदीश्वर जगदीश्वर, रामजादा ने नाक में दम कर रखा है, आज उसका इस जहां में आखिरी दिन है। ये ले रे, जल्दी कर, उसकी मेरी एजेंटी पे नजर है। गुर्गा मर गया। कपूर जी भाईजान, इधर आ। आया। ये ले, जीप निकाल, और रास्ते से मुन्ना को भी लेना है। मैं बताता हूँ साले को, आज बस मैं गांव में घेर लेंगे आज उसे, बहुत दिन हो गए, कन्हैया को भी ले आएंगे गाँव से। कल आपने जो रमजान ले गुंडों की पिटाई की, बस स्टैंड पर मजा आ गया। अब एजेंटी भी बंद हो जाएगी और इनके गुंडागिर्दी भी खत्म हो जाएगी। इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होगा, अभी तो रमजान अली बाकी है। जब तक उसका इलाज नहीं होगा ये समस्या खत्म नहीं होगी। लेकिन भाई साहब, क्या इतनी जल्दी सुबह सुबह आप मेरे को लेकर जा रहे हो? क्या रमजान अली को ढूंढना है? अरे नहीं, वो कहां जाएगा, अभी तो हम अपनी संस्था के एक नए अधिकारी से मिलने जा रहे हैं। अपनी संस्था ने उन्हें जिले में भेजा है, वो कार्यालय में आ चुके हैं, उनसे भेंट करना है। उनसे मिलकर आते हैं, उसके बाद देख लेंगे रमजान अली को। ठीक है भाई साहब, चलो। कल तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो मिला नहीं, वरना कल ही समस्या खत्म कर देते। कोई बात नहीं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल उसका हिसाब कर ही देंगे। बचकर कहां जाएगा वो? हाँ ये तो है भाई साहब, उसकी हरकतें पड़ती ही जा रही। गांव से आने वाले हर व्यक्ति को उसके लोग परेशान करने लगे हैं। बस स्टैंड से गुजरने वाली हर बस को उसे एजेंटी देनी पड़ती है। जब तक उसकी एजेंटी बंद नहीं होगी उसकी ताकत कम नहीं होगी। सही बात है भाई साहब। चल चल, अरे रमजान उसके साथी गांव की तरफ जा रहा है हथियार लेके, भाई साहब को बताना पड़ेगा। कपूर गाड़ी को गांव के बाहर ही लगा देना। लगता गांव से निकल गया वो। अरे जगदीश सर, भाई साहब तो शहर की तरफ गए, पूरे गांव में जा रहे हथियार लेके, भाई साहब की जान को खतरा, बताना पड़ेगा। मेरे आदमियों को मारकर सूरमा बनता है। गांव में ज्यादा लोग भी नहीं है और भाई साहब शहर भी चले गए। अरे यार, बेटा गंगाराम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ।
जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। हाँ भाई साहब। भाई साहब अंदर। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। आप हमारा नंबर ले लीजिए, कहीं कार्यालय के पास ही हमारा निवास, आप मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अच्छा अंदर पत्रकार बैठे हैं भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा भाई साहब मैं चलता हूँ। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। मैं जगदीश्वर पास के गाँव में ही निवास करता हूँ। मैं रमाकांत भाई साहब और पास के जिले से स्थानांतरित होकर आया। मैं ओम प्रकाश भाई साहब के गाँव से ही हूँ। बाहर निकालो उसे, मुझे मारेगा, रमजान अली को। अरे गफूर कहाँ रह गया? जी भाई आया। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी लगा दी भाई, आपने ही तो बोला था काम के बाहर लगाने को। मैंने आप लोगों को कल बस स्टैंड पे झगड़ा करते हुए देखा है, क्या मामला है? भाई साहब यहाँ एजेंट ही एक सिस्टम है, बस स्टैंड में हर बस वाले से स्थानीय गुंडा रमजान अली और उसके साथी बस निकालने के लिए जबरन वसूली करते हैं, जो बस वाला उसको पैसा नहीं देता उसके साथ मारपीट करते हैं। रमजान अली को स्थानीय राजनेताओं का मौन समर्थन भी है, काली कमाई के पैसों से इन लोगों ने हमारे गांव के आसपास जमीन खरीद रखी है। रमाकांत जी हमारा गांव मेहनत कश किसानों का गांव है, हम मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अब हमारे गांव में भी रमजान अली की गुंडागर्दी हद से ज्यादा बढ़ गई है। यह हमारे गांव की बहन बेटियों को सरेआम उठा कर ले जाते हैं। अभी तो रमजान अली ने गांव में कदम रखा है और ये तो डर गए। कहाँ है तुम्हारा हीरो? किसके पल्लू में जाके छुप के बैठा है? किसानों से मारपीट करना, पैसे छीनना, वो तो है ही है, गांव की बहन बेटियों को भी उठा के ले जाना अब इनके लिए आम बात हो गई है। बस यही बात मुझसे देखी नहीं जाती और वही झगड़ा आपने बस स्टैंड पर देखा। भाई साहब, भाई साहब। अरे गंगाराम भाई साहब, वो रमजान अली गांव में है भाई साहब। क्या हुआ गंगाराम? वो रमजान अली गांव में हथियार लेके आया भाई साहब। हुआ क्या बता तो? आप गांव मत जाना भाई साहब, वो मार देगा भाई साहब आपको। पाटीदार हूँ पाटीदार, मौत से नहीं डरता, तो चल। अरे भाई साहब आप भी चलो। बहुत संगठन कर रहा है गांव वालों का, मुझे मारेगा रमजान अली को, घंटा बजेगा, मेरी एजेंटी खत्म करेगा साला। बाहर निकालो इन गांव वालों को, आज मैं बताता हूँ क्या चीज है रमजान अली। जाओ और सुनसु। हाँ भाई। उस छमिया को भी बाहर निकाल के ला, बहुत दिन से नजरों में चढ़िया। छोड़ मेरी बच्ची को, हट बेटे। क्या चीज है रमजान अली? आ बापू, छोड़ दो मुझको, बचाओ, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मुझको, छोड़ देंगे, छोड़ दो मुझको, छोड़ देंगे, अरे छोड़ देंगे, अरे छोड़ देंगे, छोड़ दो मुझको। अबे हट, छोड़ दो, छोड़ दो, मैं आपके पाँव पर जाऊँ, खाना हट मुझको, छोड़ दो मुझको, छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, तुम्हारा हीरो है ना, उस हीरो को बुला, छोड़ दो, जगदीश्वर। Back!
एक ढोकरा छोड़ देंगे। मेरे बच्चे को बचा लो। छोड़ दो लड़की को। एक बार छोड़ के देख। जगदीश्वर भैया तो गया, गाड़ी में डाल दो इसको। ऐसा ऐसा आजा मेरी छमिया। कोई एम्बुलेंस देखते देखते कुछ लाओ रे। कोई एम्बुलेंस लाओ रे। गंगाराम गंगाराम भाई साहब तेरा प्यार ही तो है मेरा सिंगार।
फिर जगदीश्वर जी भाई साहब का क्या हुआ? राम राम से भाई साहब राम से भाई साहब भाई डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब क्या हो गया? कैसे हुआ ये? भाई साहब डॉक्टर मिश्रा ओटी में लो तुरंत। धीरज रखो गंगाराम, धीरज रखो। नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल, ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब हैं? भाई साहब गाँव गए। जगदीश्वर जी भाई साहब हैं, उनका विवाद हो गया था उसी क्षण में। जय श्री राम। वो रमजान अली और उसके गुंडे गांव में से एक लड़के को उठा कर ले गए। उन्होंने जगदीश भाई साहब को भी मार के घायल कर दिया। आज वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तुमने भी कुछ किया होएगा, तुम कोई दूध के धुले नहीं हो। गांव में गुंडे लड़के उठा के ले जाए, पुलिस कुछ ना करे तो किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे कानून मत सिखाए, उठा के अंदर डाल दूंगा, चल भाग यहां से। सब देख लिया आपका कानून। साहब वो रमजान अली को बिठा के रखा है थाने पे, आप फोन लगा दो साहब। अबे कानून किसको समझा रहा है तू? तुझे पता नहीं कि वो मेरा आदमी है क्या? छोटी मोटी धाराएं लगाई ना, चुनाव आ रहा है, मुझे उसकी जरूरत है। चल अभी छोड़ उसको। पर साहब सामने वाली पार्टी ने तो अटेम्प्ट टू मर्डर अपहरण बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई है ना। अबे तो फाड़ दे रिपोर्ट, केस चलता रहेगा। छोटी मोटी धाराएं लगा, अबे किसको समझा रहा है तू? अभी तो भेज, फिर आ जाएगा थाने। चल छोड़ उसको अभी। अरे मुन्ना वो चुनाव की लिस्ट का क्या हुआ? इस बार ये काली वोट जानी चाहिए। अरे क्या यार, मजा नहीं आया, क्यों जाना चाहिए था। अरे रमजान भाई, रमजान भाई आ गए। अरे भाई भाई भाई, भाई क्या बात है भाई, यार जेल से कब आ गए? बस अभी आया। अपने को ज्यादा दिन तक कौन रख सकता है? अब मजा आएगा कैरम खेलने में। अब ऐसा है, सुनो। हाँ भाई। जल्दी से गेम खत्म करो,
शिकार पे चलना है। कहाँ पे? रानी बैठी है इंतजार में। जगदीश जी कैसे हैं? ठीक हूँ। ठीक है, कहीं चल रही हो गांव में? कहीं नहीं भाई साहब, गांव में सब बढ़िया है, बस आप एक बार ठीक हो जाओ, सब कुशल मंगल है गांव में। चल ठीक है। बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए भाई, बहुत बुरी बात है ये। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। अबे बीड़ी सिगरेट छोड़ो तुम, वो उसको उठा के ले क्या, चल जल्दी ले क्या। अरे मेरे पैसे छोड़। 10, 20, 30, 40, 50 कितने निकले उससे? भाई 1200 करीब है। पकड़ ले जेब में से निकाल ले मेरा पैसा निकाल। छोड़ो मुझे छोड़ो। 10, 20, 30, 40, 50, 60 भाई चलो यार, हो गया आज कल, चलो। छुट्टी कब होगी माता जी? अबे डॉक्टर आएगा जल्द बताएगा भाई। बस अब चली रही है घर है। हाँ तो बस पहला आप ठीक हो जाओ, छुट्टी दे देगा डॉक्टर, बस ये पट्टो कट जाए। हाँ ठीक है। क्या यार, कुछ आज कोई शिकारी नहीं आ रहा है, कहाँ मर गए सबके सब? देखो जरा कोई आए तो। भाई ये बुड्ढा वही है, इसकी वो लड़की थी ना चिकनी। बुला उसको, बुला। जा राजू जा, जा ले क्या। रे क्यों रे, शेरों की लड़कियों की तरह सजा के रखता है बेटी को तू, हैं? लगती नहीं है गांव की, ऐसी लगती है जैसे मुंबई से उठा के लाया। क्यों रे, वो कहाँ है तेरा हीरो, कहाँ है, जिंदा है कि मर गया? सीधा खड़ा रहे। छोड़ो 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 इसको, छोड़ो यार, जाने दो इसको, जाने जाने चल निकल। तो पहले ही कब्र में लटके हैं इसके। सिस्टर थोड़ा सा मसल इनका वीक है, थोड़ा सा नी रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज बताना है जी सर, और थोड़ी वॉकिंग करवा सकती हो? ओके जी सर। माता जी बढ़िया हो गया बेटा? हाँ, आपका मेरा बेटा ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपकी मेहरबानी, बहुत अच्छा नहीं, हुआ। माता जी ये तो हमारा काम है, पूरा वजन डालना है पैरों पर। आ जाओ फिर से मैदान में। वो तो आना ही है। सलाम अलैकुम। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छुड़ा कि तुमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, अब ये गुंडागिरी बंद करो, इलेक्शन आ रहे हैं, अपने आदमियों से कहो इस बार गांव में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, समझे? ठीक है चलो जाओ। सलाम अलैकुम। ये है हमारा चुनावी पोस्टर। अरे मस्त बना है, बना भाई ये तो शानदार, बढ़िया बढ़िया, क्या बात, शानदार बना, शानदार शानदार शानदार, आपकी जीत पक्की है, शानदार शानदार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बस कल तक गांव-गांव में लग जाना चाहिए, बिल्कुल समझ गए ना, बिल्कुल आप चलो। मन में भी है मिट्टी और मन में भी है मिट्टी, मिट्टी से ही जुड़ते और मिट्टी को ही चुनते, बीज बीन के मिट्टी और मीट बीन की मिट्टी, मिट्टी में ही रब है और मिट्टी में ही सब है, मिट्टी की ही ढाल है और मिट्टी ही तलवार, दमदार पाटीदार, दमदार पाटीदार। खान साहब इस बार गांव में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पिछली बार गांव में हमारी स्थिति बड़ी खराब थी। हाँ भाई तेरा क्या हाल है गांव में, गांव के क्या हाल चाल है? सब अपने ही है भाई, किसी की हिम्मत नहीं है हमारे खिलाफ जाने की, सारे वोट हमारी ही पार्टी को जाएंगे।
ऐसा ही होना चाहिए। जीतने के बाद हमारे सभी लोगों का ध्यान हर जगह रखा जाएगा। भाई साहब मैंने बात कर ली है, हमारे सामान का काम हो गया समझो। बड़ी मुश्किल से बनाई है नेटवर्क। आपके कहे अनुसार ही बात की है भाई साहब, आज आपके हाथ में हथियार होगा। पैसे तो ले लिए ना? जी भाई साहब, जैसी बात हुई थी उतने रख लिए। बढ़िया। आप बेफिक्र हो जाइए जनाब, 100% वोट हमारी ही पार्टी के होंगे, मगर थोड़े पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। पैसे की चिंता नहीं करा, पैसा तो पानी की तरह बहा दिया जाएगा, पर जीत हमारी होनी चाहिए। पैसे की चिंता बिल्कुल ना करें आप। आप बेफिक्र हो जाइए फिर। सब यही है वो नीली शर्ट वाला। भाईजान मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लो। अरे अब और कहाँ, कितनी दूर चलना पड़ेगा? बस पास में ही है। आ जाओ अच्छा तो यहाँ है भाईजान, आ गए ये लोग। हाँ भाई साहब। राम इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। अरे भाई आ गए बाहर। खान साहब ने बहुत सारा काम बता दिया है। अरे करेंगे ना बिल्कुल, सब लोग ध्यान से काम करना। बिल्कुल करेंगे ना भाई, एकदम सीरियसली। और दूसरी चीज, आज अपन उसी गांव में चल रहे हैं तो भाई वो लाल साड़ी लड़की फिर आएगी ना आज तो। अबे उसने कभी की साड़ी बदल ली होगी? अरे हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, साड़ी बदल ली होगी उसने तो नहीं लाएगी ना भाई। रोडिंग फास्ट है इसकी, और ये पूरा देसी हाथ से बना हुआ। अरे आप तो छोटी देख लो भाई साहब। ये वाली देखो, जो भी अपनी बात हुई थी ये रखो, पूरे हैं। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। और हाँ, वो गोलियों के लिए ध्यान रखना जरा, है ना? रमाकांत जी काम हो ही गया अपना। अजब नशा है ये भी। दे रहे वे। चल तू जा। आ, बचाओ मेरे को, बचाओ। बचाओ। अरे एक बात बता, साड़ी तो लाल ही थी ना। दादा भाई साहब, नहीं नानी स्कूल नहीं गई, क्या हुआ संजू? भाई को रो रहा भाई साहब। हुआ क्या बता तो सही, क्यों रो रिया भाई साहब? रमजान अली इन बच्चों की माँ को के चिटके ले गया भाई साहब। भाई साहब बस बहुत हुआ, आज वो नहीं या मैं नहीं, आज उसका खेल खत्म। जल्दी सर। बाहर निकल। अबे चल, ए चल, ए आ छोड़। अरे तू, तू मरा नहीं? बच गया और अपनी टांगों पर खड़ा भी है,
और यहाँ भी आ गया मरने के लिए। बस आज हंस लिया है तू, ये हंसी तेरी आखिरी हंसी होगी। बहुत जुल्म ढा लिए तूने गरीबों पर, लेकिन इस वक्त के बाद ना तू रहेगा ना तेरी हंसी। मैं डर गया। अपने बनाने वाले को याद कर ले रमजान अली। जगदीश्वर उस दिन तो तू बच गया, लेकिन फिर भी तुझे अकल नहीं आई। तुझे क्या लगता है मेरे घर में घुसकर मेरे आदमियों के सामने वहां होकर तू इस तरह चिल्लाएगा और यहाँ से बच के चला जाएगा? कुत्ते चाहे जितने हो, शेर अकेला ही काफी है। आज मैं तेरी कहानी खत्म कर दूंगा रमजान अली। बहुत सताया तूने लोगों को। उसी दिन मुझसे गलती हो गई थी जो तुझे जिंदा छोड़ दिया। उसी दिन मार देता तो सारा टंटा ही खत्म हो जाता। लेकिन अब तो तू खुद ही आ गया। उन गांव वालों को अब समझ में आ जाएगा कि उनकी जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ और सिर्फ रमजान अली है। बहुत हीरो बनता है। उसको पता नहीं है शायद कितने लोग जान गंवा चुके हैं रमजान अली के हाथों। आज ये मरेगा साला। पाटीदार हूँ पाटीदार, मौत से नहीं डरता। ऐ संभाल इसे। खिलाया कर। लड़कियां चाहिए ये देता हूं तुझे। के दिन खत्म। सुन, आज के बाद गांव की तरफ नजर भी मत मारना और एजेंटी वेजेंटी सब बांध। मैं चाहता तो तुझे बहुत पहले ही जान से मार देता, पर मैं तुझे सिर्फ सबक सिखाना चाहता था। आज के बाद जिस दिन मुझे तेरी शिकायत मिली वो दिन तेरे जीवन का आखिरी दिन होगा, समझ गया? अरे बाप भाई साहब, मजा आ गया, सबको मारा। बढ़िया। जगदीश्वर पाटीदार, जिंदाबाद। जगदीश्वर पाटीदार, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगदीश्वर पाटीदार, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साहब, ग्रामीण में हमारी बहुत ही हालत खराब है, आपको तो पता ही होगा।
अगर जीत निश्चित नहीं हुई तो हमारा लाखों रुपया डूब जाएगा। जगदीश्वर पाटीदार जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कल का लौंडा जीतना तो दूर की बात, हमसे लड़ ही नहीं पाएगा। आप बेफिक्र रहिए, जीत हमारी ही होगी। जगदीश्वर पाटीदार जिंदाबाद जिंदाबाद। पाटीदार भाई साहब, चुनाव तो कहां लड़ रहा हो, पर चुनाव जीतने के लिए हर 10 परिवार पर एक आदमी की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, जो रोज उन्हें जाकर हमारे बारे में बताए। और वैसे भी आप चुनाव जीत रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, पब्लिक को सब पता है कौन सही है कौन गलत। रमजान अली को फोन लगाओ, बहुत दिनों से आया नहीं, कहाँ गया हो? के सामने इज्जत की धज्जियां उड़ गई रे असुर। भाई अब तो गांव में अपन से कोई भी नहीं डरता है। भाई लो भाई, खत्म, पैसा भी खत्म, अपना रुतबा भी, अपना राज भी खत्म हो गया भाई। तो कोई उसकी सुपारी भी नहीं लेता, इतना नाम हो गया भाई उसका कि अब तो कोई उसकी सुपारी भी नहीं लेता। सब जगदीश्वर के नाम से कांपते हैं भाई। सुपारी सुपारी भाई, अरे कहाँ जा रहे हो मेरे को छोड़ के? चल चल भाई, अभी बाकी है मेरा, सब बाकी है, अभी चल। अरे 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 भाई संभल के जरा, ये बीच में क्या कर रहे हो भाई, आराम से जरा। अरे मेरे को मालूम है रे, आराम से भाई, मेरे को उतारो ना भाई, मेरे को उतारो। ए तेरे को ज्यादा हो गई शायद। ए ऑटो ऑटो रोक 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 ना, वो बोल दिया था रास्ते में खड़ा होगा पैसे लेके। हाँ भाई, अगर काम हो जाए तो अपनी एजेंसी तो वापस शुरू हो जाएगी फिर। ये ले रे भाई, ये कहाँ लेके आ गए यार। चल देखते हैं, ऐसे आदमी को सुपारी देंगे जो जगदीश्वर का नाम भी नहीं जानते हो। इतने और मिलेंगे भाई। कैसे आना हुआ भाई? ये भाई आया अपना, एक आदमी को खत्म करना भाई, उधर ची काटेगा साले को, छोड़ेगा नहीं भाई अपन। क्या इतने और मिलेंगे ना भाई अपन,
बोला ना आपसे उधर ची काटेगा साले को। रमजान अली ये रमजान अली ये। अरे बेटा क्या रोज रोज साइकिल की रट लगा रखी है तूने? रुक इधर से आएगा वो। सुनते ही नहीं हो आप मेरी, मुझे चाहिए साइकिल। अबे आ गया क्या? देख तो आ गया क्या? तो सारे फ्रेंड्स के पास साइकिल है, मेरे पास ही नहीं है। ये आ गया देख आ गया वो। ठीक है बेटे आज पक्का ले लेंगे, परीक्षा देना अच्छे से। दिलाई देना मुझे। अरे आज ले ही लेंगे, मेरी सारी फ्रेंड्स के पास साइकिल है। मैं साइकिल लिए बिना घर नहीं आऊँ, तू चिंता मत कर ठीक है? आज लेने आ जाना। अरे तू चिंता मत कर बिटिया, आज ले ही लेंगे, कह दिया ना मैंने। उन गुंडों ने जगदीश भाई साहब को तलवार से काट के फेंक दिया मार के। अब तो कुछ करो तुम गांव वाले भी कुछ कम नहीं हो। तुम लोगों ने वहाँ लोगों के घर जला दिए, खेत जला दिए, यहाँ तक कि एक छोरे को भी मार डाला। तो एक हाथ कातिल को पकड़ के लाओ, जगदीश भाई साहब उसने काट के फेंक दिया, ये हमको बिठा के रख रखा। सख्त वक्त की
वक्त डाले किसी का ना डला। ओ यारो मैं तो चला। इनको तो पुलिस से छुड़ा ला, कानून अपना काम करेगा। हम क्या करें, क्या करें, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। हमें कुछ करना होगा भाई साहब, मैं तो कहता हूँ घर में से निकालो सालों को और जुन जुन का मारो। निकालो तलवार, चलो इन्हें के कमीने को काट के रख देंगे ताकि जीवन भर याद रखे आराम जादे। और अभी चलो। जगदीश्वर भाई साहब की हत्या के बाद बचा ही क्या है, वो हमारे भगवान थे। उनकी हत्या अगर जिंदा है तो हमारे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। भाई साहब उन कमीनों ने जगदीश्वर भाई साहब को धोखे से मारा था, सोच विचार क्या कर रहा हूँ भाई साहब। आप लोगों को क्या लगता है, जगदीश्वर भाई साहब की हत्या का दुख मुझे नहीं है? अरे मैं भी चाहता हूँ उन हत्यारों को जल्दी से जल्दी जहन्नुम रसीद कर दें, लेकिन हमारी जल्दबाजी के कारण पहले भी हमें काफी नुकसान झेलना पड़ा है। हमारे कई साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, उनका रिमांड ले रही है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, और आप लोगों की जल्दबाजी की वजह से हमारे दूसरे साथियों को भी तकलीफ होगी। तो क्या इस बात को लेकर हम हाथों में चूड़े पहन कर बैठ जाए? हमें कुछ नहीं सुनना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे रगों में जगदीश्वर भाई साहब का हौसला बहता है और हम भाई साहब की हत्या का बदला ले कर रहेंगे। अरे किससे लोगे बदला? उन दो प्यादों से जिन्होंने जगदीश्वर भाई साहब पर हमला किया। अरे वो तो मामूली से मोहरे हैं, मोहरे। जगदीश्वर भाई साहब रमजान अली की पाप की लंका को जलाना चाहते थे और उन्होंने तो अपना काम भी कर दिया था, लेकिन उसके सर पर हाथ है एक बड़े आदमी का, उसका नाम है मूसा खान। और जब तक उसकी पाप की लंका को जलाकर भस्म नहीं कर दिया जाएगा, जगदीश्वर भाई साहब की हत्या का बदला पूरा नहीं होगा। बदला तो लेना ही है, लेना होगा भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस काम के लिए मैंने जिसको चुना है वो अकेला ही इस मूसा खान की पाप की लंका को जलाकर नष्ट कर देगा। संपूर्ण मालवा में पनप रहे इन अपराधियों एवं देशद्रोहियों को समाप्त करने में वो अकेला ही सक्षम है। मैंने उसको चुना है। जब तक इस पाप की लंका को जला नहीं दिया जाता, हमारा बदला पूरा नहीं होगा। कौन है भाई साहब, कौन है वो? का नाम है प्रभाकर राव मराठा। खान साहब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई खान साहब। थैंक यू माशाल्लाह। अच्छा रहा, बढ़िया रहा खान साहब, बहुत बढ़िया रहा। और हमारी तो ये इच्छा है कि आप मिनिस्टर बनो। आप लोगों के बगैर तो ये जीत संभव ही नहीं। हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा हम साथ में आपके। आप हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट हो, आपको मिनिस्टर भी बनाएंगे। आप मिनिस्टर भी हैं। शुक्रिया शुक्रिया। चाहे सारी हमारी जान लगा दें, पूरा पैसा लगा दें, खान साहब हैं तो हम हैं। तुझे ढूंढ रहे होंगे, तू अंडरग्राउंड हो जा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई। अरे ये तो रमाकांत है, भाईजान को बोलना पड़ेगा।
कहाँ है वो? फोन लगा उसको। फोन लगा वरना ये गया। जी भाई साहब, जय सियाराम। ये तो गया, अब तेरी बारी है। 5 महीने का टाइम दिया था तूने मुझे, मैं तुझे 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। बचा सकता है तो बचा ले इसको। ए, लेके चला इसको। चले, बहुत परेशान किया तूने, चल। हाँ, होश में आया नहीं है वो, इसको होश में ला। पानी डाल इसमें, 24 घंटे में 24 बार मरेगा ये। Head north and go straight for 1 kilometer. तिल तिल करके मारूंगा इसको। कहाँ तेरा मराठा? अबे उठ, बुला तेरे उस मराठा को। In 500 meters, turn right. मैं भी तो देखूं कितनी ताकत है उसमें। मुझे मारने का प्लान बनाया था। पांच महीने का टाइम दिया था मुझे, 24 घंटे में आना था यहाँ इसको। पला पला साला। Go straight for 1 kilometer. What? जगदीश्वर की मौत का बदला लेंगे मुझसे। तिल तिल करके मर रहा है तेरे को। What? What? बुला तेरे उस मराठा को। मुझे मारने आया था, जान से मारने की धमकी देता है साला। अरे बुला उसको, शूटर बुलाया था मुझे मारने को। In 500 meter, turn right. अरे कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला इसको बचाने। फिर भाग गया होगा भगोड़ा। राइट, आगे राइट में जाके रोकना। Turn right. You reached your destination. ये गनवन सब रख दो, कोई नहीं आने वाला। बेवकूफ समझा क्या तूने रमजान अली? तूने क्या समझा? तूने मुझे यहाँ बुलाया? तू तो पुलिस के पल्लू में छुपा हुआ था। यह सब खेल मेरा ही था।
तुझे वहां से बाहर निकालने के लिए जरूरी था कि तुझे कहीं और बुलाया जाए। अच्छी जगह चुनी है तूने तेरी मौत के लिए। तुझे पता है तारीख क्या है? जगदीश्वर की मौत का बदला, और जिन जिन लोगों को तूने तकलीफ दी है उन सभी का बदला आज तू चुकाएगा। चलिए भाई साहब, प्लान सक्सेस रहा। हाँ हाँ, वो तो होना ही था। आपके कॉल से ही मैं समझ गया था कि योजना शुरू हो गई। मुझे अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा है, इन्हें सजा जरूर मिलेगी। लगी।